राधे राधे सभी को। हमने इससे पहले वीडियो में वैशाख माह के महत्व को और वैशाख माह को क्यों पवित्र माना जाता है, क्या कारण है, इस बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख या वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। आओ जानते हैं कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम महत्व देखेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु जी का दूसरा नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। और हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला है दान। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर आपने पूरे वर्ष में कोई दान नहीं किया हो तो इस माह में करके पूरे वर्ष के किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है स्नान। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। तीसरा है पूजा। इस माह को माधव नाम से जाना जाता है। माधव विष्णु जी का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व होता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, न च वे समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और शिकेश के नाम का भी ध्यान करना चाहिए। उन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना नहीं भूलें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमयी व्यतीत होगा। चौथा है श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के तर्पण के लिए और पिंडदान के करने से पितृ दोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। और पांचवा है ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि दोष से मुक्ति। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। अब हम देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए वैशाख माह में। तो वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक पिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। तेल नहीं लगाएंगे तो चलेगा। इस माह में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दो बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 6 बातें त्याग देनी चाहिए।